इस वक्त अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लेकर चलते हैं। करेंगे, एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं, राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधीनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने
14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। ये घटना क्यों और कैसे हुई, हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब निर्णय हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन को ये प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया, तब लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे, उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं इसका सटीक स्थान था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है, इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा, ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है, गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने
बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश पर, इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगोल जिसको प्राप्त होता है इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस संगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं, टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया, भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। आप संगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं। 1947 अगस्त के बाद संगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया, मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 1978 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर बी आर सुब्रमण्यम को संगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ हैं। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है। यह 2021-22 का HR&CE पॉलिसी नोट जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दर्ज है। इस पर पैरा 24 में इसकी प्रक्रिया को ढंग के साथ वर्णित किया गया है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र संगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। संगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से संगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। संगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह संगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृतकाल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। यह ऐतिहासिक योजना अधिनम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे जो प्रधानमंत्री जी को संगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनस्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत हर्ष की बात है कि 14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे वो 96 साल के मुमिंडी बंगारू चिट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं, उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा। यह घटना का दूरदर्शन और दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से
जीवंत प्रसारण देश भर के दर्शकों के लिए, नागरिकों के लिए भी होगा। और अब हम एक डिटेल फिल्म इस पूरी प्रक्रिया पर सांस्कृतिक विभाग ने बनाई है, इसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए, वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। अब सेंगोल से जुड़ी तमाम जानकारियां आप मीडिया बंधुओं के साथ भी साझा की जाएंगी। आप मीडिया बंधुओं को उपलब्ध कराई जाएगी जानकारी में सेंगोल के बारे में प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया डॉकेट, पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQs, इसके अलावा सेंगोल के अधिनमों और स्वर्णकार श्री मुमिडी जी के प्रवास की जानकारी भी दिल्ली के बारे में वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा सेंगोल के बारे में शुरुआती जानकारी साझा करने के बाद अब आप मीडिया बंधुओं से कुछ सवालों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं पत्र एवं सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री राजेश मल्होत्रा जी को। एक सेकंड, पहले मेरा निवेदन है कि इसी प्रक्रिया के बारे में ही सवाल करिए। मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक बात आज के महत्वपूर्ण प्रसंग में आए। मैं आपको मिलता ही रहता हूं। 100 नंबर इधर इधर फ्रंट पे। अमित जी वनकम, दिनमलर वेंकटरामन फ्रॉम दिनमलर। यू मेड ए वेरी एलाबरेट डिटेल्स अबाउट द सेंगोल। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम चोला किंगडम, इट्स the rulers of Tamil Nadu, Pandya, Cherachola Pandya, everybody was using the Sengol when transits of power, and also indicate the how a king has to rule the country, which indicates to the people of the entire southern India. Now the southern India people have shut the door for the BJP for the main samajh gaya, ho gaya aapka sawal, next। सर आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या? सर चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई, आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय पत्रकार होकर करते हैं। सर आपने जिस तरह से बताया कि 1947 में पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था, अब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को पुनर् देश के सामने रखेंगे, गर्व का क्षण होगा और इस क्षण पर सभी को गर्वान्वित होना चाहिए, सबको उपस्थित रहना चाहिए पूरे देश को भावनाओं के साथ, और जो सांसद हैं या वहां पर रहना चाहिए उपस्थित इस क्षण को देश के सामने अपने आप को भावना प्रकट करने के लिए। नहीं, हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। 90 सर, ये वही सेंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था या नया बना है? और अगर नया है तो पुराना वाला कहां है? यही सेंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था जी। 69 सर, जैसा आपने कहा कि यही सेंगोल है जो 1947 में दिया गया था, लेकिन ये अब तक था कहां और क्या पिछली सरकारों ने इसको खोजने की कोशिश किया या फिर पार्लियामेंट में लाने की कोई भी कोशिश की? इलाहाबाद के संग्रहालय में था, वहां स्थित था, उसको वहां से यहां लाया गया है। 125 गृह मंत्री जी नमस्कार, मेरा सवाल यह है सर, जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई, जो वीडियो भी दिखाया गया, इसमें पूरी जानकारी मिली है कि कैसे ये इसका ऐतिहासिक महत्व है और कैसे इसको प्राप्त किया गया, तमिलनाडु के लोग आए, उन्होंने ये दिया, सत्ता हस्तांतरण हुआ, तो जब ये पहली बार विचार हुआ आप इसको लाएंगे और इस तरीके से इसकी कल्पना पृष्ठभूमि जो रही, ये पहली बार विचार कब आया और कैसे इसको लागू किया जाए, ये क्या कल्पना रही, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसकी जानकारी मिलने के बाद जैसा मैंने बताया प्रधानमंत्री जी ने पूरे रिसर्च करने के ऑर्डर दिए, और जब रिसर्च करकर पूरी चीज तथ्य के साथ सामने आई तब ये उचित माना गया कि जब
संसद के नए भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को, तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तापित किया जाए। सर नमस्कार, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सवाल यह है कि आपने जैसे कहा कि देश से इसको छुपाया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, देश को जानकारी नहीं है ऐसा कहा गया। छुपाया गया आपका शब्द है, आगे बोलिए। लास्ट क्वेश्चन 256 मैडम, सर मैं इधर 256। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको पुनर्स्थापित करने के पीछे क्या लक्ष्य है, और क्योंकि देश ने इतनी बड़ी परंपरा से अब तक अछूता रहा है, तो ये जन जन तक पहुंचे तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, लक्ष्य बहुत स्पष्ट उस वक्त भी था और आज भी स्पष्ट है। सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहां की परंपराओं से चलेगी, यहां की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर, इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। चार नंबर लास्ट क्वेश्चन। सर आमोद हूं TV9 भारतवर्ष से। एक जो संगोल के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी और इसको ले जाकर म्यूजियम में रख दिया गया था, अब इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने से क्या आपको लगता है कि जो इसको एक नया लोगों को जानने का मौका मिलेगा संगोल के बारे में, और जो अभी आज के डेट में राजनीति की जा रही है संसद भवन को लेकर, उसको उसको थोड़ा कम बल मिलेगा इससे? देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले, और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। गृहमंत्री जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि जब संगोल को वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने पर विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, तो इसको स्थापित करने पे कैसा माहौल होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन करने को लेकर जब विपक्ष बायकॉट कर रहा है इस कार्यक्रम का, तो जब आप इसे वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित करेंगे तब कैसा हाल होगा? नहीं, इसमें मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जुड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधुओं का, हम धन्यवाद अदा करेंगे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी विकास के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मीडिया बंधुओं का भी। और एक जानकारी कि जो हमारे अतिथिगण हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर पर की गई। तो संगोल को राजनीति से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। विपक्षी दलों के बहिष्कार को लेकर जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इस पर भी कोई बहुत ज्यादा स्पष्टता से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह में निमंत्रण सभी को दिया गया है, लेकिन किसी भी तरीके के राजनीतिक विषय पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया। फिलहाल आपने सुना, गृह मंत्री अमित शाह ने इस संगोल को बताया, इसके इतिहास को बताया और क्यों एक पुरानी परंपरा से, एक वैदिक परंपरा से भारत के संसद को जोड़ा जा रहा है, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। हालांकि विपक्षी दलों के बहिष्कार पर अमित शाह ने सिर्फ इतना कहा कि उद्घाटन समारोह में सभी दलों को आमंत्रित किया गया है, संगोल को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।